नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में पिछले दो दिनों से हो रही बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गरीब किसानों के गेहूं, सरसों और आलू की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। जनवरी महीने में हो रही इस बरसात से खेतों में पानी लग गया। खेतों में पानी लगने से आलू और सरसों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई, जबकि गेहूं से किसानों को अभी भी कुछ उम्मीद है, जिससे किसान परेशान है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस बरसात में उनकी फसल बर्बाद हो गई है, उनको लाखों का नुकसान हो गया है। वही किसान सरकार से इस नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। सर, जो किसान दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसमें किसानों की फसल काफी ज्यादा नुकसान होगी, इसके लिए प्रशासन कर क्या रहा है किसानों की? वर्षा से फसलों जो भी नुकसान हुआ है, लेखपालों के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। एक फसलों को 33% ज्यादा नुकसान हुआ है, 13,500 ने मुआवजा दिया जाएगा, जो शासन द्वारा अनुमन्य है। अच्छा, ये प्रक्रिया कब से शुरू हो, मतलब हो जाएगी? प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, सभी SDM को निर्देश जारी कर चुके हैं और लेखपालों द्वारा कल से आज से सर्वे भी शुरू किया गया है। रिपोर्ट आने पर इन्हें जो सरकारी सहायता अनुमन्य है वो प्रदत्त की जाएगी। आपने देखिए पानी भरा हुआ खेत में गेहूँ सड़ रहा है, इससे क्या क्या जैसे किस तरह का नुकसान होगा गेहूँ? गेहूँ समझ लीजिए वो सब सड़क पैदा कर देगा, क्योंकि पानी है ज़्यादा, गेहूँ लूट जाएगा, सड़ जाएगा सब गेहूँ। और गेहूँ सड़ने को ऐसे कुछ पैदावार होना नहीं है, सब पानी डूब जाएगी। तो सरकार से कहा कहा जाता है आपकी? भाई सरकार से कुछ मदद चाहिए, कुछ आपकी मदद चाहिए भाई। जो गरीब किसान हैं कैसे जिएंगे, बाल बच्चे कैसे जिएंगे सब? हाँ, ये जो बारिश हो रही है इससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों? सर, आप देख लीजिए सामने है, हमारा आलू का फसल नुकसान हो गया है, सरसों गिर गया है बारिश के वजह से, बहुत फसल नुकसान हो गया है, लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। लेकिन दो दिन से बारिश लगातार हो रही है, उसके वजह से फसल नुकसान हो गया। कितना दिक्कत होगी आप लोगों को बारिश? बहुत दिक्कत है सर, क्या करेंगे। नाम क्या है?